अरे क्यों जमी पे बैठ के आसमां देखता है कि अरे क्यों जमी पे बैठ कर आसमां देखता है, अरे पंखों को खोल ये जवाना सिर उड़ान देखता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप 2023 बोर्ड में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, जिसके कारण आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि बोर्ड परीक्षा 2023 में ये पांच गलतियां कभी ना करें यदि आपको रियल में टॉपर्स बनना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वो कौन कौन सी गलतियां हैं इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट गलतियां लिखा गया है कि केवल काले और नीले पेन का उपयोग करें। आप जब भी बोर्ड परीक्षा में एग्जाम देने जाए तो ध्यान रहे कि आपको केवल काले और नीले पेन का यूज करना है। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि लाल और हरा पेन का यूज न करें। जैसे फ्रेंड्स, कलर पेन होता है ना लाल और हरा, इसको यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि केवल काले और नीले पेन का उपयोग करें। फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी कॉपी मिलेगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलेगा उसमें आप हेडिंग काले से दीजिएगा और आंसर है ना वो ब्लू से लिखिएगा। ऐसे लिखिएगा ना फ्रेंड्स, तो आपका उत्तर इतना अच्छा लगेगा कि आपका एग्जामिनर होगा ना वो देखकर खुश हो जाएगा और आपका मार्क्स पूरा में पूरा दे देगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फर्स्ट गलतियां को समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट गलतियां को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोर्ड की कॉपी के, क्या लिखा हुआ है कि बोर्ड के कॉपी के फर्स्ट पेज में काट छाट और गलत उत्तर कभी मत करें। अर्थात बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो फर्स्ट पेज में काट छाट और गलत उत्तर दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि फर्स्ट पेज में सही सही उत्तर दे। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके जो फर्स्ट पेज है ना कॉपी का, उसमें सही सही आंसर देने का, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना वो फर्स्ट पेज से पता लगा लेता है कि आप कितने पढ़ने में तेज हो। फ्रेंड्स, यदि आप फर्स्ट पेज में ही काट छाट करते हो तो एग्जामिनर समझ लेगा कि ये जो स्टूडेंट है ना वो चोरी करके लिखा है, यानी नकल करके लिखा है, जिसके कारण आपका कम मार्क्स मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट पेज में वैसे ही क्वेश्चन का आंसर दे जो आपको 100% याद है, और आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि हैंडराइटिंग बना बना कर साफ सुथरा लिखने का, क्योंकि फर्स्ट पेज से ही पता चलता है कि स्टूडेंट कितना पानी में है और एग्जामिनर उसी अनुसार आपको नंबर देगा। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि जो क्वेश्चन 100% याद है, क्या लिखा गया है कि जो क्वेश्चन 100% याद है सबसे पहले उसका आंसर लिखे। देखिए फ्रेंड्स, आपको जब क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो आपको लगेगा कि उसमें जो आपको 100% बिल्कुल याद है तो आप सबसे पहले उसी का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि जिसका उत्तर 100% कन्फर्म याद है पहले उसी का दे। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी बोर्ड में ये नहीं लिखा होता है कि स्टूडेंट सीरियल बाय सीरियल आंसर दे, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपको पहला का आंसर नहीं मालूम है, ठीक है, और दूसरा का आंसर मालूम है, तो आप वहां पे दो नंबर दाकर, ठीक है, आप दूसरा का आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जिस नंबर का आंसर दे रहे हैं वहां पे लिख देना, ठीक है, कहीं भी दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि उस संख्या नहीं लिखिएगा तो एग्जामिनर को ऐसे नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। और जब आप ऐसे कीजिएगा ना, तो फर्स्ट पेज में ऐसे कीजिएगा तो आपका हैंडराइटिंग काफी साफ सुथरा दिखेगा और इससे एग्जामिनर है ना वो काफी खुश हो जाएंगे, जिसके कारण आपके एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है बोर्ड परीक्षा में। यहां पर लिखा गया है कि क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस सीट में अटेंडेंस जरूर बनाए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट अपने कॉपी को लिखने के चक्कर में अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं। अर्थात अटेंडेंस होता है, उसमें नाम लिखना होता है, डेट लिखना होता है, उसमें किस सब्जेक्ट आप एग्जाम दे रहे हैं वो सारे लिखना होता है। आप कोशिश कीजिएगा सबसे पहले उसे लिखने का, क्योंकि जब आप उसे ही नहीं भरिएगा तो आपको कैसा पता चलेगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप कितना भी अच्छा लिख लीजिए, लेकिन जब तक आप अटेंडेंस में पूरा नाम नहीं भरिएगा, पूरा पता नहीं भरिएगा, तो कैसे पता चल पाएगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हस्ताक्षर करना ना भूले। बहुत सारे स्टूडेंट ना सिग्नेचर करना भूल जाते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। फ्रेंड्स, आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि आचर करना कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस पॉइंट को समझ गए होंगे।
चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट गलतियां को देखते हैं। नेक्स्ट गलतियां नहीं करना है कि प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर दे। ऐसी बात नहीं कि प्रश्न में पूछ रहा आम आप दे दीजिएगा इमली। यदि प्रश्न में पूछ रहा है कि निबंध लिखे तो आप निबंध ही लिखिएगा। यदि पूछ रहा है प्रश्न में कि किसी का जीवनी लिखे तो आप जीवनी ही लिखिएगा, उसमें अदरवाइज काम नहीं कीजिएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का गलती कर देते हैं कि प्रश्न कुछ और पूछ रहा है और वो आंसर कुछ और दे रहा है, ऐसे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट गाना भी लिख देते हैं, तो ये सब गलती नहीं करना है। उसके बाद लिखा गया है कि उत्तर देते समय यह बिल्कुल भी गलतियां ना करें, अर्थात जब आप उत्तर दे रहे होंगे ना तो ये सारी गलतियां नहीं करना है। कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है? आपको गाना नहीं लिखना है, गालियां नहीं देना है, कसम नहीं लिखना है और गलत शब्द का यूज नहीं करना है। आप बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं को उसी में गाना लिख देते हैं, जैसे हिंदी का एग्जाम हुआ तो उसी में गाना लिख देते हैं। आप कभी भी गालियां ना दे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचकर गालियां लिख देते हैं, कहता है कि क्वेश्चन ही अच्छा नहीं था, तो उसमें एग्जामिनर क्या कहेगा, यार क्वेश्चन अच्छा नहीं है तो वो बोर्ड वाले ना समझे कि क्वेश्चन का है ऐसा दिया है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि गालियां ना लिखे, नहीं तो एग्जामिनर पर गलत इफेक्ट पड़ेगा जिससे आपका मार्क्स कट सकता है। उसके बाद लिखा गया है कसम न लिखे। बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं कि एग्जामिनर को ही कसम देने लगते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो ऐसे बुरा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर जिससे आपका अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। आप गलत शब्द का भी यूज नहीं कीजिएगा। फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिएगा कि गलत शब्द का यूज ना करें। तो फ्रेंड्स उत्तर देते वक्त सारे पॉइंट को आप माइंड में ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट गलतियां कौन सी आपको न करना है। यहां पर लिखा गया है काफी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में पैसा न रखे। बहुत सारे स्टूडेंट का सोचते हैं कि हम जो उत्तर पुस्तिका है उसमें पैसा रख देंगे तो जो एग्जामिनर हो गए देखकर और हमको ज्यादा नंबर दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम उत्तर पुस्तिका में यदि हम पैसा रख देंगे तो जो एग्जामिनर होंगे खुश होकर हमको मार्क्स ज्यादा दे देंगे। फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो कॉपी होते हैं ना वो सीसीटीवी कैमरा के अंदर में चेका जाता है और उसके ऊपर भी कोई ना कोई आदमी देखने वाला होता है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि पैसा रखने की बिल्कुल नहीं कोशिश कीजिएगा, किसी के बहकावे में आकर पैसा न रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस पॉइंट को समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है जो नहीं करना है आपको किसी भी हर हाल में, कि इलेक्ट्रॉनिक सामान बोर्ड परीक्षा में न ले जाए। अर्थात जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना आप कोशिश कीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में किसी भी कीमत पर न ले जाए। जैसे हो गया मोबाइल नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है और घड़ी नहीं ले जाना है। ये सब गलतियां को फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप बोर्ड परीक्षा में सस्पेंड ना हो सके। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे और उम्मीदें भी करते हैं कि आप लोग ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।